हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2012 में रिलीज हुई हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी एटीएम का ब्रेकडाउन। इस मूवी की एंडिंग काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही यूनिक है। तो गाइस अब बिना ज़्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि स्टॉक ब्रोकर डेविड को। डेविड ने एक बूढ़े आदमी के $4,00,000 का नुकसान करवा दिया था, वो भी क्रिसमस के टाइम पर। वो आदमी डेविड को कॉल करके काफ़ी कुछ सुना रहा था क्योंकि ये पैसे उस आदमी की आखिरी सेविंग्स थी। इसके बाद हम देखते हैं डेविड के एक फ्रेंड कोरी को, जो कि डेविड को आज रात होने वाली ऑफिस की पार्टी के बारे में बताता है। लेकिन डेविड तो आज सीधा अपने घर जाने वाला था। डेविड एक एमिली नाम की लड़की को पसंद करता है, पर वो उससे ठीक से बात तक नहीं कर पाता। एमिली डेविड के ऑफिस में ही काम करती थी, पर आज उसका आखिरी दिन था क्योंकि कल से वो दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो जाएगी। डेविड को लगता है कि ये पार्टी उसका लास्ट चांस है, इसीलिए वो अपना मन बदल देता है। अब वो इस पार्टी में जाएगा और एमिली से अपने दिल की बात कहेगा। रात को ये सब पार्टी में थे, तभी डेविड एमिली से बात करने के लिए जाता है, पर वो हाय हेलो करने के अलावा ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता। यहाँ हम देखते हैं कि एमिली भी डेविड को पसंद करती है, लेकिन इसका हाल भी बिल्कुल उसी की तरह है। एमिली भी डेविड से ठीक से बात नहीं करती और कुछ देर के बाद वो यहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। बाहर वो टैक्सी का वेट कर रही थी, पर तभी डेविड उसके पास वापस आता है। अब एमिली को टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, इसीलिए डेविड कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा। एमिली भी मान जाती है क्योंकि इनको कुछ देर और वक्त मिलेगा एक दूसरे से बात करने का। डेविड अपने दोस्तों से बाय बोलने के लिए वापस अंदर जाता है और यहाँ कोरी भी डेविड से उसे घर छोड़ने के लिए कह रहा था। डेविड भी बहुत कोशिश करता है कोरी से पीछा छुड़ाने के लिए, पर काफ़ी रात हो चुकी थी और कोरी नशे में भी था, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले आता है। रास्ते में कोरी को भूख लगी थी और उसके पास कैश भी नहीं था, इसीलिए वो डेविड से किसी एटीएम पर गाड़ी रोकने के लिए कहता है। अब वो एक एटीएम पर रुकते हैं जहां कोरी पैसे लेने के लिए एटीएम में जाता है, और अंदर जाने के बाद कोरी डेविड को भी एटीएम के अंदर बुलाने लगता है। डेविड भी अंदर जाता है और उसी के साथ एमिली भी उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगती है क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। कोरी का कार्ड काम नहीं कर रहा था, इसीलिए डेविड अपने कार्ड से पैसे निकालता है। पैसे निकालने के बाद ये लोग यहाँ से जा रहे थे और तभी वो देखते हैं कि बाहर एक आदमी खड़ा था जो कि इनके बाहर निकलने का ही इंतज़ार कर रहा था। डेविड कहता है कि शायद वो कोई चोर हो सकता है, लेकिन कोरी को लग रहा था कि वो आदमी यहाँ पर एटीएम यूज़ करने के लिए आया है। कोरी बाहर जाने लगता है, पर जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो आदमी इनके पास आने लगता है। ये देखकर कोरी वापस से डोर को बंद कर देता है और उसी बीच वहाँ पर एक आदमी आता है, तो ये स्टॉकर उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसका हेड बुरी तरह से क्रश करके उसे मार देता है। ये देख के इन सभी की हालत ख़राब हो गई थी और इन्हें ये भी कंफर्म हो गया कि वो आदमी यहाँ पर एटीएम यूज़ करने के लिए तो नहीं आया। ये लोग पुलिस को कॉल करने के बारे में सोच रहे थे, पर एमिली का फ़ोन कार में था, डेविड का फ़ोन डेड था और कोरी के पास तो फ़ोन ही नहीं था। अब ये लोग एटीएम के अंदर ही कोई सिक्योरिटी अलार्म या फिर पैनिक बटन ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी एटीएम में नहीं था। वो आदमी अभी भी बाहर से इन्हें ही देख रहा था, पर वो एटीएम के अंदर नहीं आ रहा। एटीएम का डोर उस कार्ड से ही ओपन होता है और शायद उस किलर के पास वो कार्ड नहीं था। वो इस ग्लास को तोड़कर अंदर भी आ सकता था, पर फिर भी वो इनसे काफ़ी दूर एटीएम के बाहर ही खड़ा था और वो एटीएम के ज़्यादा पास भी नहीं आ रहा। अब वो किलर इनकी कार के पास जाता है जो कि लॉक भी नहीं थी। कार के साथ छेड़छाड़ करने के बाद वो इनका टूल बॉक्स लेकर एटीएम के पीछे जाता है। वहाँ जाकर वो एटीएम के हीटर को बंद कर देता है। अगर ये लोग बाहर निकलेंगे तो ये किलर इन्हें मार देगा, और अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो सर्दी की वजह से ये लोग अंदर भी मारे ही जाएंगे। यहाँ डेविड और कोरी एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि कोई अलार्म बजेगा तो पुलिस यहाँ पर आ जाएगी, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उल्टा कैमरास में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अब बाहर उन्हें एक पुलिस की कार नजर आती है, तो ये लोग उसे बुलाने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर चिल्ला रहे थे, लेकिन इन लोगों की आवाज़ उस कार तक नहीं पहुँच पाती और वो कार यहाँ से निकल जाती है। इतनी ठंड में ये लोग यहाँ ऐसे नहीं रह सकते थे, इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये उस किलर से डील करेंगे। डेविड अपने अकाउंट से सारा कैश निकाल लेता है, एमिली अपनी इयररिंग्स निकालती है और कोरी भी अपनी वॉच देता है क्योंकि इसके पास पैसे तो थे नहीं। डेविड ये सब सामान लेकर उस किलर के पास जाता है और उससे कहता है कि इसके बदले इन लोगों को यहाँ से जाने दे, पर वो किलर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। डेविड ये सब सामान उस किलर की ओर फेंकता है और जैसे ही वो किलर इसे उठाने वाला था, डेविड कार की ओर भागता है। कार में जाने के बाद वो देखता है कि किलर ने इग्निशन वायर्स का बुरा हाल कर रखा था। डेविड जल्दी से एमिली का फ़ोन लेता है और 911 पे कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर तभी वो किलर डेविड पर अटैक कर देता है और अपना कोड उस किलर के पास छोड़कर डेविड किसी तरह उसे बचकर वापस एटीएम के अंदर आ जाता है।
अब डेविड के पास उसका कोट भी नहीं था और फोन भी उसने कार के पास ही गिरा दिया। यहाँ हम देखते हैं कि उस किलर ने फोन और इनका सामान इन्हीं की कार में रख दिया था। इस किलर को शुरुआत से ही पैसे नहीं चाहिए थे। अगर इसे पैसे ही लूटने होते तो ये उस आदमी को इतनी बुरी तरह नहीं मारता। इस किलर का मोटिव हमें मूवी के एंड में पता लगेगा। अब इधर एमिली अपनी लिपस्टिक निकालती है और उससे इस ग्लास पर हेल्प लिखती है ताकि कोई दूर से भी इन्हें देखे तो वो उनकी हेल्प कर सके। अब डेविड और कोरी पीछे की दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं पर इसके पीछे काफ़ी मोटी सीमेंट की दीवार थी। इसके बाद एमिली डेविड का कार्ड लेती है और उसका पिन उल्टा एंटर करने लगती है क्योंकि एमिली को लग रहा था कि ऐसा करने से एटीएम से मैसेज जाएगा सीधा पुलिस के पास। और अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा था तो आज आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कम से कम इस मूवी में तो नहीं। लेकिन पहले सवाल ये है कि वो आदमी इनके साथ ऐसा कर क्यों रहा है। कोरी कहता है कि शायद ये वो आदमी हो सकता है जिसके पैसे डेविड की वजह से डूब गए, वही आदमी जो मूवी की स्टार्ट में डेविड से फ़ोन पर लड़ाई कर रहा था। डेविड कहता है कि ये वो आदमी नहीं हो सकता क्योंकि उस आदमी की एज काफ़ी ज़्यादा है। अब सर्दी से बचने के लिए ये लोग अपने हाथ एक दूसरे पर रब कर रहे थे और इसी बीच वहाँ पर वो पुलिस की कार वापस आ जाती है, पर उस कार में था एक सिक्योरिटी गार्ड। इसका मतलब उसके पास गन भी नहीं होगी। वो गार्ड कुछ समझ पाता तब तक किलर उसका भी हेड क्रश करके उसे मार देता है। यहाँ इनकी उम्मीद फिर से टूट गई। एक और बार ये लोग सोच रहे थे कि अब ये लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। इसी बीच वो किलर एटीएम के अंदर आ जाता है और उसे देखते ही डेविड और कोरी उस पर अटैक कर देते हैं। ये दोनों मिलकर भी उसे नहीं संभाल पा रहे थे, इसीलिए डेविड एक चेन से उसका गला घोट कर उसे मार देता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। अब ये लोग बाहर जाने लगते हैं तभी बाहर का नज़ारा देख कर इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अभी भी बाहर वही किलर खड़ा था। फिर इन लोगों ने जिसे मारा वो कौन था? उसका नाम है हेरल्ड और वो तो यहाँ इन्हीं की तरह बस एटीएम यूज़ करने के लिए आया था। इन लोगों ने जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी की जान ले ली। इस बीच वो किलर वापस से एटीएम के पीछे जाकर कोई और तरीके से इन लोगों को बाहर निकालने के लिए कुछ कर रहा था। एटीएम के अंदर कोरी उस आदमी की जैकेट उतारकर पहन लेता है क्योंकि डेविड तो वैसे भी उस जैकेट को नहीं पहन रहा और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। बहस करते करते ये लोग हाथापाई पर आ चुके थे और साथ ही सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद कोरी यहाँ से जाने लगता है। डेविड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर कोरी बाहर निकलकर तेजी से भागने लगता है। कोरी भागते हुए गिर जाता है क्योंकि उस किलर ने वहाँ पर एक वायर बांध रखी थी। ये देखकर डेविड कोरी को बचाने के लिए जा रहा था पर एमिली उसे नहीं जाने दे रही थी, इसीलिए डेविड एमिली को ढकेल देता है जिसकी वजह से वो बुरी तरह से पीछे गिर जाती है। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये सभी चीज़ें कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी। बाहर वो किलर कोरी को भी स्टैप कर देता है। अब ये दोनों भी सर्दी से जम के मरने का यहाँ इंतज़ार कर रहे थे और किलर वापस से एटीएम के पीछे जाकर कुछ करने में लगा था। इसी बीच डेविड देखता है कि कोरी अभी भी जिंदा था। जल्दी से ये दोनों बाहर जाते हैं और कोरी को अंदर ले आते हैं। कोरी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उसे मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी। लेकिन अब उस किलर ने एटीएम के डोर को डेविड की कार से ब्लॉक कर दिया था। अब वो चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। डेविड उस एटीएम मशीन पर वार करने लगता है जिसकी वजह से अब यहाँ पर कैमरा बंद हो चुका था। इतना काफ़ी नहीं था इसीलिए किलर ने अंदर ठंडे पानी का पाइप भी छोड़ दिया ताकि ये लोग अंदर ही ठंड की वजह से मर जाएं। वो किलर अपने दिमाग को अच्छी तरह से यूज़ कर रहा था और पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ कर रहा था। और इसी बीच कोरी भी मर चुका था पर उसके जैकेट से डेविड को एक लाइटर मिला। अब जाकर डेविड को आइडिया आया कि फायर अलार्म को एक्टिवेट करने से पुलिस को बुलाया जा सकता है। डेविड बहुत कोशिश करता है लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। डस्टबिन में मौजूद सारे पेपर्स को जलाकर डेविड एमिली को ऊपर उठाता है और ये दोनों अलार्म को एक्टिवेट करने में कामयाब हो चुके थे। खुशी के मारे डेविड का पैर पानी में फिसल गया जिसकी वजह से वो यहाँ गिर चुके थे। गिरते ही एमिली का सर एक सेल्फ पर लगा था और गर्दन टूटने की वजह से वो भी यहाँ पर मारी गई। जब तक डेविड कुछ समझ पाता किलर पुलिस की कार से उसकी कार को ठोक देता है जिसकी वजह से पूरा एटीएम ही टूट गया। यहाँ डेविड का दोस्त कोरी भी मारा गया और साथ ही साथ एमिली भी। इससे ज़्यादा वो सहन नहीं कर सकता था। डेविड कोरी की बियर बॉटल से एक मोलोटॉप बनाता है और किलर आराम से चेयर पर बैठकर ये सब देख रहा था। डेविड ये उस किलर पर फेंकता है और उसे जलाकर मार देता है। लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी थी। वो किलर तो दूर से इसके मजे ले रहा था। अब वो किलर डेविड को भी मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है पर तभी वहाँ पर काफ़ी सारी पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती है। उन्हें देखकर किलर यहाँ से गायब हो जाता है और वो लोग डेविड को रेस्क्यू कर लेते हैं। और यहाँ डेविड भीड़ में उसी किलर को देखता है जो कि अभी भी वहाँ खड़ा दूर से डेविड को देख रहा था। आपको लग रहा होगा कि अब तो डेविड आराम से घर चला जाएगा पर ऐसा होगा नहीं।
क्योंकि पुलिस की नज़र में डेविड एक क्रिमिनल है जिसने अपने दो कोलिग्स को मारने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड और एक आम आदमी की भी जान ली थी। यही है इस मूवी का फाइनल ट्विस्ट। यहाँ जो कुछ भी डेविड के साथ हुआ पुलिस की नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और एटीएम की फुटेज से भी यहाँ पर ऐसा ही लग रहा था कि ये सब कुछ डेविड ने ही किया है। पहले डेविड और कोरी उस एटीएम को लूटने के लिए गए जहाँ इन दोनों की ही लड़ाई हो गई, और कोरी यहाँ से बाहर चला गया जहाँ पर कैमरास नहीं थे। बाहर कोरी को उस किलर ने मार दिया था, पर कैमरा फुटेज देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे डेविड ने ही उसे बाहर जाकर मारा होगा। और बाहर जाने से पहले डेविड ने एमिली को भी धक्का दिया था जिसकी वजह से वो नीचे गिरी थी, और इसके बाद डेविड ने उस एटीएम मशीन को तोड़ने की भी कोशिश की थी जहां वो कैमरा बंद हो गया। अब इतनी फुटेजेस काफ़ी थी डेविड को क्रिमिनल साबित करने के लिए, लेकिन डेविड के पास उसके डिफेंड में कोई भी प्रूफ नहीं था, इसीलिए वो किलर अंदर आने के बजाय बाहर से ही इन्हें स्टॉक कर रहा था। उस किलर ने एक ही रात में डेविड की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसका दोस्त भी मारा गया और साथ ही साथ वो लड़की भी मारी गई जिसे वो पसंद करता था, और अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बिताएगा। आगे हम देखते हैं कि वो किलर अपने ठिकाने पर जाता है जहाँ से उसने ये सारा प्लान बनाया। उसने सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से प्लान की हुई थी, और सारे कैमरास के बारे में और एटीएम की पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास पहले से ही मौजूद थी, और इस किलर का कोई भी मोटिव नहीं था इस सब के पीछे। यानी कि अगर वो तीनों की जगह इस एटीएम में कोई दूसरा भी होता तो उसके साथ भी ऐसा ही होता। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि उस किलर ने और भी एटीएम्स की इन्फॉर्मेशन तैयार कर रखी थी, मतलब वो आगे और भी लोगों के साथ ऐसा करेगा। पर मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का कोई भी सीक्वल नहीं है, और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के एंड में जो ट्विस्ट था उसकी वजह से ये मूवी काफ़ी यूनिक लगी और इंटरेस्टिंग भी। इस मूवी का एंड ऐसा था कि इसकी स्टोरी आगे भी कंटिन्यू की जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।